हेलो, मेरा नाम प्रतीक पांडे है और मैं एस्ट्रोफिज का को फाउंडर हूँ। तो आज यहाँ असीम रावत जी के यहाँ आना हुआ खेता में, तो गौ वंश को देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब शास्त्रों में तो हमारे कहा गया है कि गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास है। तो आजकल लेकिन आपाधापी की ज़िंदगी में हम कट से गए हैं ना, हम जाते हैं गायों के बीच में, ना उनको देखते हैं, ना समझते हैं, और हम पूरी तरह से न केवल हम गायों से कट गए, हम अपनी संस्कृति से एक तरह से कट गए। तो अब मैं बहुत दिनों बाद जब यहाँ पे आया तो ऐसा लगा कि मानो अपनी कल्चर की तरफ वापस जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मुझे लगता है कि सभी को यहाँ समय निकाल के ज़रूर आना चाहिए, यहाँ गायों को देखना चाहिए, गौवंश में जो भी है वो सबको देखना चाहिए। गायों के साथ रहने का उनका वात्सल्य, उनका प्रेम अद्भुत ही है, वो आप आके ही समझ पाएंगे, वैसे आप नहीं समझ पाएंगे। सो प्लीज़ डू कम। मेरा नाम सुरभि है, मैं प्रतीक की वाइफ हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो चीज़ आप यहाँ आकर महसूस करेंगे वो आप अपने घर में बैठ के बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते। मैं 2016 से हेता की कस्टमर हूँ और 2023 दिसंबर में आज मैं यहाँ आ पाई, हालांकि मेरे घर से उतना भी दूर नहीं है, पता नहीं क्यों इतना देरी की मैंने आने में। और तो दुख हो रहा है। हाँ, अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं आई इतने साल। मुझे आके ऐसा लग रहा है कि काश मुझे घर वापस ना जाना पड़ता होता और मैं यहीं रह जाती। और मैंने बहुत अद्भुत चीज़ें देखी, मुझे नहीं पता था कि 1000 से ज़्यादा गाय एक जगह इकट्ठी होकर रह रही हैं और वो सबकी सब ऐसे साफ हैं। मैं असीम जी से पूछी, आप इन्हें रोज़ नहलाते हैं क्या? और इतनी गायों को नहलाते हैं तो कैसे? तो मुझे पता लगा कि वो नेचुरली इतनी क्लीन रहती हैं। मैं पता नहीं कितनी सारी उन्होंने मुझे नंदियों से मिलवाया, एक ने भी मुझे आके पुश नहीं किया, टच नहीं किया, वो सब आके इतने हम्बली आसपास आके मिल रहे थे, इतने प्यार से, सारी गायें इतने प्यार से, इतना डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है कि ह्यूमंस में भी नहीं होता इतने डिसिप्लिन विदाउट ट्रेनिंग। तो शायद हमारे देश की जो देसी गाय हैं, नंदी हैं, ये सब खुद ही बहुत संस्कारी होते हैं। और मैं प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर कहूँगी कि मैंने ये हेता के प्रोडक्ट्स लेने इसलिए शुरू किए थे 2016-17 में, क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, थायराइड हो गया था, PCOD हो गया था, और इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वर्क करने की वजह से स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए थे, एंड मेरी काफ़ी हेल्थ इंप्रूव हुई है। और मुझे बाकी मैं डेयरी पैकेट वाले थायराइड तो क्योर हो गया, आई एम ऑल्सो टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, और लेकिन हेता के प्रोडक्ट्स के बिना मैं डेयरी ले ही नहीं सकती। डेयरी लेते ही मुझे लेग्स में पेन होने लगता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बिल्ड होने लगता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और लेकिन हेता के डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो हेल हेता, एंड आई एम सो हैप्पी दैट मैं आज यहाँ आ पाई, और मैं अब कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा और आ पाऊँ। तो थैंक यू सो मच असीम जी, थैंक यू सो मच हेता, एग्जिस्ट करने के लिए थैंक यू। Thank you so much for coming to Heta.